दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ ग्लेनफुट रिजॉर्ट में भोपाल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजॉर्ट है। और इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, उसका प्राइस क्या होने वाला है, और यहाँ पर आपको क्या क्या एमिनिटीज यानी कि सुविधा मिलने वाली है, सब मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ का स्विमिंग पूल और रूम्स वगैरह ये सब कुछ देख कर आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। इतना ज़बरदस्त ये रिजॉर्ट है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इस रिजॉर्ट को देख कर। एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर का इसका व्यू कैसा ये बना हुआ है। ये मैं मेन गेट पर खड़ा हुआ हूँ रिजॉर्ट के। तो दोस्तों जैसे आप इस रिज़ॉर्ट के अंदर एंटर करेंगे आपको देखने को मिलेगा थोड़ी सी आगे चलते के साथ ही ये बड़ा सा स्विमिंग पूल, जिसका डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा एंटीक है। और ये स्विमिंग पूल का पानी गंदा नहीं है, बस इसके अंदर थोड़ा सा केमिकल पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसका पानी इस तरह से दिख रहा है। दोस्तों जैसे आप इस रिजॉर्ट के अंदर आओगे, ये रिजॉर्ट का एकदम मेन एरिया है, एक लॉबी एरिया जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ये पूरा लॉबी है और लॉबी में आप लोग देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा सोफा है। कम से कम यहाँ पे 25 लोगों के बैठने की आराम से जगह है, 25 लोग आराम से इजिली यहाँ पर बैठ सकते हैं। और पीछे वॉल पर पेंटिंग भी बनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और देख सकते हैं आप किस तरह का ये कितना बड़ा लॉबी एरिया है। और इधर यहाँ पर एक कूलर है जो कि बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग बैठेंगे तो आराम से हवा हवा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। और इधर एक टीवी भी दिया है सोनी का, मे बी अराउंड ये 43 या 50 या 55 के अराउंड, इंचज़ के अराउंड होगा, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देखने में। अब आपको बैकयार्ड का एरिया दिखाता हूँ मैं अच्छे से। बैकयार्ड का एरिया देखिए, वहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। और ये है इस रिज़ॉर्ट के पीछे का यानी कि बैकयार्ड एरिया। और ये स्टेज है, यहाँ पे एक स्टेज बनाया हुआ है। बेसिकली इस पे आप लोग बर्थडे पार्टी वगैरह भी कर सकते हो, छोटी मोटी रिंग सेरेमनी वगैरह भी कर सकते हो इसको एज अ स्टेज यूज़ करके। स्टेज ही है ये, और कुछ भी मतलब शादी का छोटा मोटा फंक्शन भी कर सकते हो यहाँ पे, चाहो तो शादी भी हो सकती है। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह हैं, इधर झूलने के लिए झूला है, उधर स्लाइड है, और यहाँ पे सीसो, ये झूला है बहुत सीसो। स्कूल में आप लोगों ने बहुत झूला होगा, और ये वाला झूला इस पर तो बच्चों को मतलब बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इस पर बैठो आराम से चार लोग, ऐसे गोल गोल इसको घुमाना। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ये बैठा हुआ है मेरे साथ आया हुआ, ये पैडल वाला है भाई, पैडल चला। अच्छा ये देखिए, इस पे आप पैडल चलाओ, मतलब बैठे बैठे आप घुमाओ इसको। अच्छा कैसे मतलब चला के देखो, ये पैडल ये देखिए ना, ये पैर में ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं, ऐसा है ये। अच्छा मतलब इस पे बैठे हो, पैडलों को चलाओ, धक्का देने की जरूरत नहीं है, धक्का देने की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल है। चलिए ये भी बढ़िया है झूला यहाँ पे। तो आप लोगों ने बैकयार्ड एरिया तो देख लिया किस तरीके का है। दोस्तों ये है यहाँ का पहला रूम इस रिजॉर्ट का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सोफा रखा हुआ है। और यहाँ एक गेट है, ये दूसरे रूम का गेट है। और वॉल पर पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत खूबसूरत, जिससे कि ऐसा लगता है ये वाले फूलों को आप देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे लाइट लगी हुई है। और यहाँ इस तरह का कुछ बेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा बेड है, डबल बेड है ये। और ये चार्जिंग वगैरह के लिए पोर्ट है यहाँ पे, बेहतरीन पंखा भी है ऊपर सीलिंग में, बढ़िया पंखा है एकदम। और इधर कूलर है इस साइड में, तो कूलर भी बढ़िया है एकदम चलने में। चला के दिखाना इसे, ज़रा चलाना, उधर से ऑन है आई गेस, उधर से ऑन होगा, चला के देखते हैं हम लोग इसे अभी कूलर को। भैया को बुलाओ, भैया को मालूम होगा कैसे चलेगा। उधर से अरमान, उधर से ऑन है क्या वो दूसरा वाला, वो है ना खटका, चला इसको ऑन करो, हाई को। बहुत ही बढ़िया आवाज़ है, आवाज़ से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कूलर कितना अच्छा चल रहा है। शोर की आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बंद कर, बंद कर, मतलब इसी की तरह आवा रही है में ठंडी, बंद कर। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरह का यहाँ पे जो है ये कूलर वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा कूलर है, बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है और बिल्कुल नया साफ सुथरा, कुछ भी गंदगी नहीं है। और इस तरह के यहाँ पे डोर्स हैं, बाहर व्यू भी देखिए आप कितना अच्छा है, पूरे पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आराम कर रहे हैं लेटे हुए हैं, तो यहाँ से आप सीधे इधर व्यू देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा एकदम, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के व्यू। और यहाँ का जो बाथरूम है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह का है। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे, यहाँ डीलक्स बाथरूम बना हुआ है एकदम बेहतरीन, ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम बेहतरीन बाथरूम बना हुआ है यहाँ पे, पूरा डीलक्स है देखने में, इतना बड़ा है ये। और सीलिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ऊपर शावर लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे नहाने में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ऊपर एकदम शावर है, वहाँ से देखिए ये शावर है, जब यहाँ से पानी गिरेगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा नहाने में। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरा रूम दिखाता हूँ, और बैकयार्ड भी दिखाना है वो भी दिखाऊँगा।
और यह है इस रिजॉर्ट का दूसरा कमरा, और कमरा बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले कमरे की तरह। बस यहाँ पर दो कुर्सियाँ रखी हैं, वहाँ पर एक छोटा सोफ़ा था। कूलर भी सेम है एकदम, यहाँ पे वैसा ही है, और एरिया भी उतना ही बड़ा है पूरा रूम का। बस यहाँ पे जो वॉल का डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है, ये वाला डिज़ाइन जो है वो उससे भी अच्छा है, बहुत लाइट कलर है तो आपको अच्छा फील कराएगा। और बेड वगैरह सब कुछ सेम एकदम ऐसा ही है, बस यहाँ का व्यू थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर व्यू देख रहे थे आपको, पहाड़ दिख रहे थे। ये जो है बैकयार्ड में एक रूम है इस रिजॉर्ट के, तो यहाँ से आप बच्चे बच्चे सामने खेल सकते हैं, और बच्चे सामने खेलेंगे तो आप यहाँ पे इजीली आराम करते हुए बेड पे इधर उन लोगों को देख भी सकते हैं, और सामने तो देख ही सकते हैं आप लोग कितना प्यारा कितना अच्छा एकदम पहाड़ का व्यू है। तो वो व्यू एकदम इंजॉय करते हुए आप लोग मज़े से यहाँ पे लेट सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। पर जैसे ही आप लोग छत पर आएंगे तो यहाँ टेरेस का जो व्यू है इस रिजॉर्ट के, आप देख सकते हैं किस तरह का व्यू है। अभी तक मैंने जितने भी फार्म हाउस देखे हैं वहाँ पे किसी में भी ऐसा व्यू नहीं देखा मैंने। ये देखिए आप लोग, आस पास पहाड़ ही पहाड़, मतलब इतना सुकून है इस जगह पर, इतना सुकून है। रोड से ज़्यादा अंदर भी नहीं है, मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर अंदर है रोड से, मेन रोड से। और इतना खूबसूरत व्यू है, ये देखिए आप लोग कितना प्यारा व्यू है। ये देखें इधर पहाड़ है पूरे में, इधर भी पूरा ये पहाड़ है। इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। तो दोस्तों देखिए ये है यहाँ का पूल, और ये छोटा पूल है बच्चों के लिए है, बड़ों का उस साइड में है। और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, इसमें केमिकल डला हुआ है, इसकी सफाई हो रही है, और कैरोलिन नाम का कोई केमिकल है। ये भाई यहाँ के केयर टेकर हैं, पूरा यहाँ पर यही संभालते हैं, यही देखते हैं, और पानी वगैरह का, बिजली का, सब कुछ यही देखते हैं यहाँ पे। तो भाई जो है अभी सफाई कर रहे हैं, अभी ये साफ़ हो जाएगा पूरा का पूरा, ये देखिए इसके अंदर कचरा आ जाएगा। जैसे ही ये साफ़ हो जाएगा तो एकदम ये पानी का कलर भी एकदम क्लियर हो जाएगा, और भाई आप लोगों को बता देंगे अभी थोड़ी देर में कि यहाँ पे किचन कैसा है। किचन भी ये भाई के साथ ही मैं आप लोगों को दिखा दूँगा इस रिजॉर्ट का। और भाई आपका नाम क्या है? जलील भाई का नाम है जलील। और यहाँ का एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और ओनर का नंबर भी डाल दूँगा, तो रेंट वगैरह का सबका आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो गाइस ये है यहाँ का किचन, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा किचन है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या अमेनिटीज़ मिलेंगी, यानी कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये भाई यहाँ के जलील भाई जो है यहाँ के केयर टेकर हैं पूरा बताएंगे। तो जलील भाई यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं भोपाल के लोग, उनको आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मतलब आने वाले हैं उन लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, और कितनी कुर्सियाँ हैं, कितने बर्तन हैं, क्या है, सब बताइए। कुर्सी है 100। ठीक है, उधर देख के बोलिए। कुर्सी 100 है, और 200 अपनी ये प्लेट है, ये वाली दिखा दीजिए। ये 200 प्लेट है, प्लेटें भी अच्छी क्वालिटी की, साफ़ सुथरी हैं अभी भी। अपने देखते हैं डिश कौन से हैं, ये वाले 50 है। ये डिश भी देख सकते हैं एकदम साफ सुथरे डिश हैं, बिल्कुल 50 है, और 50 डिश है वाले, और इनके चम्मच भी 50। चम्मच भी बता दें, चम्मच कैसे हैं आपके पास? ये वाले चम्मच है। देखिए सब कुछ रखा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन कितना साफ सफाई है ये देखिए। ये भी है, ये झारा भी है यहाँ पे पूरा, ये सब टोटल है चम्मच टाइप का, भी है। और ये भगोने है, और ये भगोने हैं खाना बनाने के लिए, और खाना इसको बनेगा ना। हाँ, भट्टी भी है अपने पास, तीन दिन भट्टी है अपने पास, तीन। हाँ, और ये रसावन है अपने पास, 8 डेस्क भी है। ये डेस्क कितनी है अपने पास इसी? ये 12 है, 12 डेस्क हैं इसी, और गोल राउंड 6 है, गोल राउंड 6 है, और ये बाई डेस्क 6, और ये खाना रखने के लिए जो आई डेस्क बोलते हैं, आई डेस्क गर्म होता है खाना भट्टी के ऊपर, और एक यहाँ पे देख भी है बड़ी सी, तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं। कढ़ाई भी है अपने पास, दो कढ़ाई भी है, यहाँ पे बड़ी कढ़ाई है ये रखी हुई है, बड़ी कढ़ाई दो, और कोई भी किसी तरीके की आप लोगों को तकलीफ नहीं होने वाली, परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ पे आओगे तो पंखे भी लगे हुए हैं दो किचन के ऊपर, और यहाँ पे जो है दरवाजा है इसको आप लोग खोलोगे एक तरह से, तो हवा भी आएगी यहाँ से बेहतरीन एकदम, बाहर का व्यू भी अच्छा आएगा, और आप लोग देख भी सकते हो बच्चे क्या कर रहे हैं। और इधर भी दरवाजा है, तो ये मेन दरवाजा जिससे हम लोग आए थे, इसको भी आप लोग खोल सकते हो,
यहाँ से भी हवा आती रहेगी, ऊपर से तो पंखे लगेंगे, बेहतरीन हवा यहाँ से भी आती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आना कैसे है, कितना किलोमीटर है भोपाल शहर से, सिटी से मेन, तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग बुधवारे से आ रहे हो तो बुधवारे से ठीक 16 किलोमीटर है सिर्फ, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वो करोज चौराहे पे आना है, करोज चौराहे से आप लोग राइट लोगे और करोज चौराहे से जैसे ही राइट लोगे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है करोज चौराहे से, पूरा 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाओगे मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे करोज चौराहे से यहाँ आने में, 10 किलोमीटर 15 मिनट में आराम से आ जाओगे आप, अगर बाइक से हो तो, कार से हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आप लोग, इजीली आ जाओगे। और पूरा एड्रेस मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ओनर का नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप लोग बाकी रेंट वगैरह के लिए सब कुछ के लिए जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं रेंट भी लिख दूंगा, तो उस पर आप देख लेना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग और भी ऐसे फार्म हाउस देखना चाहते हो भोपाल, मेरे को DM कर देना और मेरी इंस्टा ID है ये ऊपर मैं डाल देता हूँ इधर, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस ब्लॉग के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।